साथियों, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आइए अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवेंद्र जी शांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हम बात करेंगे सिवान जिला में, सिवान सिटी में है और हरदिया मोड़ के पास एक मोहल्ला है जो न्यू बस्ती है। और बता दें आपको कि ये जब मसला निकल रहा है और यहाँ पे एक रोड को लेकर कई दिनों से मसला चल रहा है और इस रोड के हक में जनता खड़ी हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे जो जितनी जनता दिखाई दे रही है, ये सभी जनता जो आवाम है, ये चाहती हैं कि जो रोड है ये इन लोगों का हक है, आना जाना लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, यानी कि जो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो मकान मालिक हैं ये दो फ्रंट पे, इन लोगों ने खुद ये मतलब रोड दिए और रोड देने के बाद आज क्या चीज़ आ रहा है कि दिक्कत इन लोगों को हो रहा है, आइए जानते हैं। यहाँ पे एक दादी माँ है, इनसे बात करते हैं कि यह किस तरह का मसला आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगी, बताइए क्या मसला है, किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। बाबू, जब ये लोग अपना निर्माण कर रहे थे, घेर रहे थे, तो हम लोग सब मोहल्ले के लोग आए, बोले कि भाई हम लोग खेतिहर लोग जो छो सराय का पीछे खेती है, तो हम लोग सब लोग आए तो बोले कि नहीं हम लोग रास्ता नहीं देंगे। तो कहें कि भाई मार तो करेंगे नहीं, आप लोग कह रहे हम लिखाए हैं मार करेंगे नहीं, आप लोग आजू मिनती करेंगे, ठीक है हम लोग जा रहे हैं अब सरकार के पास, मैंने कलेक्टर के पास। इन लोगों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग दोनों आदमी आप लोगों को 5-5 फीट दे देते हैं। तो हुआ कि ठीक है आदमी ट्रैक्टर आने जाने, बहू बेटी आएगी जाएगी, मरनी जेनी सब होगा। यानी कि देखिए आप देख सकते हैं कि जो रोड है, यानी कि इनका कहना है कि जो रोड निकला हुआ है, दो मकान मालिक हैं और दोनों ने अपने अपने मन से 5-5 फीट रास्ता दे चुके हैं। और अभी क्या मामला आ रहा है, अभी क्या दिए हैं, अभी क्या आ रहा है बताइए, बोल रहे कि अब लिखित दिए हैं, लिखित नहीं दिए। रोड कुछ दिन पहले टूट गया था, निकल गया था, कैसे कौन निकला था, वही रात को निकला था, रात को भगवान सिंह क्या हुआ था, क्यों निकले, भगवान सिंह बोल रहे हैं कि ये जमीन हम लिखवा लिए हैं, ये जमीन लिखवा लिए, रोड का जमीन लिखवा, हां रोड का जमीन लिखवा लिए। रोड कब से है कि रोड का जमीन लिखवा लिए, 64-65 से है, 64 पे, हाँ 64 में मिल SKG आया तब से ये रोड है। अच्छा, हमारा बचपन से बुढ़ापा आ गया, हाँ। तब से ये रोड है, इधर से सब भर्ती टायर जाता था ऊँख का, और उधर से निकलता था पीछे से, अच्छा। और उधर से ट्रैक्टर और ट्रक जाता था, ये रोड बहुत पुराना और ये खोदिएगा ना, इसको खोदिएगा नीचे तो आपको खोआ मिलेगा, मट्टी मिल का सब चीज मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि हम इसको मकान के लिए छोड़े हैं, इन्होंने पश्चिम छोड़ा है, पश्चिम इनके कागज में बोल रहे हैं, हाँ। तो कल मीडिया बुला करके अपने घर में बात कर रहे थे कि हम अब दुकान के लिए, हाँ। तो कुछ भी हो हम लोग वो कुछ भी हो उससे, हम लोग उनसे बड़े आदमी हैं, उनसे क्या बोलेंगे। आप बताइए क्या मसला है, ये जो रोड है निकला हुआ है, कब से रोड आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हम लोग तो नहीं से आए हैं यहाँ पर, तब से आ रहे हैं इसी में, 2019 से, हाँ 2019 में हम लोग इधर मकान बनाए। और आप लोग कहाँ से, मतलब ये सबको नए नए घर बनाए आप लोग, हाँ सब पे 10 से हम लोग रह रहे हैं 10 से। तो अभी क्या क्या मसला निकल रहा है, कौन आपको रोक रहा है, कौन आने, यही श्री भगवान सिंह रोक रहे हैं कि आपको आने जाने नहीं देंगे, हाँ पर हम अथी बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, इसको रोड पर जगह दुकान बनाएंगे, हाँ दुकान बनाएंगे, रोड पर दुकान बनाएंगे। तो आप लोग किसे आएंगे जाएंगे, तो वही ना उसको तंग कर रहा है, ये तो बताएंगे क्या मसला बताइए। जी सर, हम 2007 से हैं, ठीक है, इसी रास्ते से हम लोग जा आ रहे थे, अभी दिक्कत कर दिए हैं, बाद में जब जमीन लिखवा लिए हैं तब इनका रोड हो गया, हम लोग अब किधर से जाएंगे आएंगे, तो कह रहे हैं उधर भी लिखवा लिए इधर भी लिखवा लिए, तो जब रोड हम लोगों का निकल गया उसके बाद ये क्यों रजिस्ट्री कराए हैं, नहीं अच्छा मतलब रोड निकल गया तब, हाँ तब रजिस्ट्री कराए हैं, उसके बाद रजिस्ट्री कराए हैं, ये 10 में कराए हैं, हम लोग 5 से हैं 7 से हैं सब लोग, हम तो 5, जनसंख्या रोज पर रोज बढ़ती जा रही है, हाँ अभी रास्ता रोक रहे हैं, कह रहे हैं इधर से सामने से आप लोग जाइए, पहले खुला था तो किधर से हम लोग सामने से चाहे तिरछा जा रहे थे, अब तो हम लोग जब मकान लोग बनवा लिए तो जिधर से रास्ता है छोड़ दिया, तो फिर क्या मसला, क्यों अपने अब कह रहे हैं कि इधर से हम नहीं देंगे, कह रहे हैं इधर से हम रास्ता नहीं देंगे, उधर से तोड़वाइए, तो वो काम उनका है ना, उनके पास पावर है, 33,000 का तार गया है, हाँ, रोड के बीच में, उसी के चलते, हाँ, उसी के चलते वो लोग 5-5 फीट रास्ता हम लोग को दिए, तार के वजह से लोग, हाँ दोनों लोग अपने में, हाँ अति करके दोनों, अच्छा दो आदमी मकान यहाँ, दो आदमी का मकान आ रहा है जी, हाजी जी का, हाजी जी का और भगवान सिंह का, तो वो आपत्ति कर रहे हैं, भगवान सिंह कह रहे हैं हाजी जी तोड़वा करके लीजिए रास्ता, तो हमारा पावर है बाबू तोड़वाने का, हम क्या तोड़वाएंगे, हमारा हस्ती है, हस्ती है तो अपना तोड़वा कर, मतलब हक किसका बन रहा है, मतलब दोनों आदमी 5-5 छोड़े हैं तो 10 फीट रास्ता दिखाई दे रहा है,
तो फिर क्या मसला आ रहा है? पता नहीं ये क्या चल रहा है। तो मान लीजिए जो रास्ता निकल गया तो वही रास्ता ना ठीक रहेगा, अब उनका मकान तोड़ा है, उनका मकान तोड़ा है तो नुकसान नहीं होगा। तो आइए दिखाते हैं आपको कि ये दिखा, आइए थोड़ा सा हटिए, आप देख सकते हैं कि ये जो रोड निकला हुआ है ये रोड ये तार के नीचे ही है और ये मसला यहाँ पे आइए आप थोड़ा सा आइए आगे लो। देखिए यही रोड है और इसी रोड को लेकर मोहल्ले के लोगों से रोका जा रहा है कि इस पर आवागमन ना हो। और ये कुछ दिन पहले इसे जेसीबी के द्वारा, अब पता नहीं किसके द्वारा, यहाँ पे उजारा गया था। यहाँ पे लोग जानते हैं ये रोड है जो 10 फीट का रोड है, 10 फीट का रोड है, तो 5 फीट इन्होंने छोड़ा है, 5 फीट इन्होंने छोड़ा है। तो फिर मसला क्या आ रहा है? तो मसला अब आ रहा है कि उधर से आप लोग रोड ले जाइए, कहते ये भी जमीन लिखा लिए हैं, ये भी जमीन हम लिखा लिए हैं, ये भी जमीन लिखा लिए कह रहे हैं, ये भी लिखा लिए, ये भी लिखा लिए। तो हम लोग का जब रास्ता था तो ये जमीन क्यों लिखा है? जब ये जब हम लोग का ये रास्ता था तो ये खतरा हुआ था, उनका पे खतरा हुआ था, एक जानवर जल्दी मर गई इसी पे छत पे। तो हम लोग देखिए इस मोहल्ले में जेंट्स लोग सभी बाहर रहते हैं, बस लेडीज लोग का ही मोहल्ला है अभी, यही आप समझ लीजिए। तो ये परेशान कर रहे हैं, एक बार ये उजरवाए उसके बाद से ये उजरवाए, हम लोग 11 बजे 10 बजे रात में हम लोग बिछा रहे हैं, हम लोग बिछा रहे हैं, हम बिछा रहे हैं और रात में तुरवा देता है, दिन में 11 बजे तक। युवा है थोड़ा जागे, आप क्या आपका यहीं पर रहते हैं ना जी? किस तरह का मसला था बताइए, क्या जैसे क्या होता है? जैसे इनका जब मकान बाउंड्री हो रहा था और इनका हो रहा था तो हम लोग सारे लोग यहाँ पे थे, पूरे मोहल्ले के लोग, सराय के लोग भी थे, सब लोग सीधाराम चले, सारे लोग यहीं पे, थाना भी यहीं पे, थाना में भी गए थे, तीनों ने पूरा जब पूरा जब जैसे क्या हुआ, जब सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, मोहल्ले के लोग भी गए थे, ये क्या किए 5 फीट ये दिए भगवान सिंह दिए और हाजी साहब भी 5 फीट दिए कि 5 फीट वहाँ तक रास्ता सीधा आया, कि भैया 10 फीट तो हम अकेले तो दे नहीं सकते हैं, और ये भी बोले हम अकेले नहीं दे सकते हैं, तो 5 फीट ये दिए, 5 फीट ये दिए। तीनों ने क्या किया, ठीक वहाँ पे हम लोग मिट्टी उट्टी सब लोग डाल के, तीनों ने लोग कहा था कि मिट्टी डाल के अपना यहाँ से रोड निकाल लीजिए। जब ये रास्ता निकला वहाँ पे फ्रंट पे, तो ये क्या हुआ था, पहले इनके ये जमीन रजिस्ट्री नहीं कराए थे, वहाँ जब फ्रंट निकाल दिए तो बाद में ये 2010 में ये रजिस्ट्री कराए, तो ये हाँ जब वहाँ फ्रंट पे दे दिए हैं तो रास्ता जब निकाल दिए दोनों अपनी मर्जी से, और उसके बाद में ये सोचना चाहिए ना लिखवाने से पहले कि हम रास्ता है तो जमीन क्यों लिखवाएं, तब बोल रहे कि रास्ता निकलने के बाद जमीन लिखवाएं, रास्ता निकलने के बाद, और ये वाला जमीन ये बहुत पहले लिखवाया ये नहीं। और देखिए इनका मकान भी बना है तो रास्ता छोड़ के ही बना है, जब इनका खुद का जब निजी जमीन था तो रास्ता पकड़ के बनवाना चाहिए, यहाँ पे छाजा भी निकल, देखिए छाजा भी छोटा ही निकाले हैं, इनको पता था जो ये अपना जमीन बचाने की वजह से हम लोग को परेशान करी। ये 3 दिन पहले रात को उखड़वाए दो, रात को तो ये बोल रहे थे, मतलब हम तो देखने नहीं गए थे, ये खुद बोल रहे थे, हाँ मान ले कि अगर ये बोले हैं कि म्युनिसिपैलिटी द्वारा उखाड़ा गया है, लेकिन हम लोग तो नहीं जानते हैं, म्युनिसिपैलिटी की ओर से हम लोग की तरफ तो कोई नोटिस नहीं है, और ये उखाड़े रात को। यहाँ के वार्ड कमिश्नर कौन है? खालिद मियां, वो अभी आए हैं तो ना बात उत करने के लिए ना, तो क्या बोले हैं कि भाई क्योंकि बात कमिश्नर है, यही रोकता है, यही तो रोकता है, कौन रोक रहा है, मतलब हाय रोक रहा है, यही रोक रहा है, फौज में थे, पता नहीं हम लोग क्या जानते हैं, फौज में थे, पता नहीं नेता थे कि क्या थे, बोले थे मेरा बेटा ये है वो है, पता नहीं कुछ में हो, लेकिन आप पब्लिक का रास्ता तो नहीं रोक सकते हैं ना, सबको होती है कुछ, तो मतलब आप अभी जिला प्रशासन से आप लोग कहाँ कहाँ गए, दरखास्त दिए लोग डीएम सर के पास, ऑफिसर के पास, थाना के पास, कहाँ गए सरकार, सब लोग कहाँ हैं? डीएम के पास दिए हैं एप्लीकेशन, कहाँ थानों पर गए थे, एप्लीकेशन कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है जी, घर पे है अभी, घर पे आप लोग ना, अभी क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग बताइए, ये रास्ता दिए हैं तो रास्ता है जब ये ना इनको जब बंद करना था भैया, पहले ये 2004 में बस्ती हुआ है, ये 2010 में कैसे लिखवा लिए, इनको देखना चाहिए ना कि पीछे मोहल्ला है, हम जमीन लिखवा रहे हैं, आने वाले दिन में विवाद होगा, सब लोग इधर से आ रहा है, सब लोग किधर से आएगा, मान लीजिए पीछे अगर 10 भी घर बन गया तो रास्ता इनको कोई भी है, सरकार के तरफ नियम है ना कि किसी को भी रास्ता देना है, तो ये आज कैसे लिखवा लिए, आज बोल रहे हैं कि मेरा जमीन लोग जबरदस्ती पकड़ लिया, तो जबरदस्ती रास्ता अगर इन्हीं का था तो उसी समय पकड़ लेते,
उसी समय ये छोड़े बना है, रोड बना है, कभी तो उनका कहना चाहिए ना कि हमारा जमीन है, हम रोड नहीं बनने देंगे, आप लोग अपना दूसरा रास्ता खोजिए। तो जब हम लोग रोड बनवा लिए, सरकार रोड बनवा दिया, जब ये अपना मकान बना रहे थे तो रोड आवागमन था, आवागमन था, उस समय कोई नहीं 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 नहीं, रोड भी बन गया तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जब रोड बन गया है, रोड बना हुआ था, हाँ जब बना हुआ था, जब रोड बन गया है, माटी भरवाया था, रोड छोड़ दिए हैं, अब आप इसको बनवा लीजिए, बोले हैं रोड छोड़ दिए हैं, आप रोड बनवा लीजिए, यही बोले हैं। तब हम लोग नगर पालिका वही मान लीजिए, जब रोड बना तो उसी समय रोकना चाहिए ना कि हम नहीं बनने देंगे, चाहे हमारा है। जब रोड बन गया तो हम लोग को परेशान करने के लिए कभी ये उजाड़ रहे हैं, कभी वो, आप रास्ता देखिए कैसे है। हम लोग 11 बजे रात तक आ करके हम लोग भरे हैं, कोई लेबर नहीं आ रहा है, कोई लेबर नहीं आ रहा है, भगवान सिंह उजाड़े हैं। तो मतलब अपने मन से उजाड़ दिए, जैसे उजाड़े, जैसे भी आया था 10 मिनट लगा दे, जैसे भी उखाड़ के चला गया, कैसे उजाड़े, प्रशासन आया कि वो आया कि कौन आया, लेकिन उजाड़े हैं तो यही उजाड़े हैं। हम लोग इतना पानी हेल कर इधर आते जाते थे, इतना पानी था, किसी का भैया जमीन नहीं था उस समय, कोई नहीं, चंदा लगा के हम लोग रोड बनवाए हैं, ₹10,000 रुपया चंदा लगा के, जब ये नहीं बोला कि हम आप लोग मत बनवाइए, तब ये कहाँ था, जब तीन तीन बार हम लोग चंदा लगा के बनवाए हैं, जब ये नहीं बोला, जब बन गया नगर पालिका से, जब पास हो गया, तब इसका पता नहीं क्या हो गया, जब नगर पालिका से बना है ना, तब इसको मतलब कि पता नहीं क्या हो गया। तो आना चाहिए ना कि नगर पालिका से पास हुआ है, हम नहीं देंगे, नहीं मान्य कर रहे हैं, उस समय नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, वही बनाया है, हम लोग पहले मिट्टी भरवा करके आ जा रहे थे, लेकिन अब नगर पालिका से हम लोग पास होकर बन गया, तो उस समय जब बना तो नहीं आया, जब बन गया तब आके उजाड़ पुजाड़ कर रहा है, कि रोड जो है वही रहे, वही रहे जैसा, नहीं तो उन लोगों के, उनके पास अगर पावर हो, हस्ती हो, तो अपना जिधर से रास्ता हम लोगों को देंगे, हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोगों को तो पहले ही रास्ता है ना, जब तक ये रास्ता रहेगा, जब तक कहीं हम लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा, उसके बाद से जब हो जाएगा तो क्या करें, अपना बंद कर लेंगे, लेकिन हमको रास्ता दे करके बंद करें। रोका कहतन मुझे यही बात, हम बाबू ये कहतनी कि हमनी के रास्ता चाहिए, रास्ता ये कहता ये निकरा तो खुद ना, अगर जाना तरह कि इतना बस्कित भाई का लिखावे के ना चाहिए, तो ये लिखौलन जाना तरह से लिखावस, अब कहता रहे कि ना हम बंद कर दें, तो बंद अगर कह दिए तो इतना लाश रोडे पर रहे, कोनो दूमत नहीं के बउआ, मरता क्या नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुँचे हुए हैं सिवान जिला, सिवान सिटी में, ये जो रोड है, इस रोड के लिए किले जो यहाँ के आवाम है, जो जानता है इस मोहल्ला के, बालाजी नगर, बालाजी नगर, इस मोहल्ला का नाम है बालाजी नगर, जो कि कई गांव से लोग यहाँ के आके बसे हुए हैं, और सबका कहना है कि जो रोड ही बना हुआ है, इस रोड पे कई सालों से आवागमन है, और ये लोग चाहते हैं कि इसी रास्ते से हम लोग अभी जाते हैं, और अभी भी जाने जाएंगे, और आगे भी जाना चाहेंगे, क्योंकि ये रोड से काफ़ी चीज़ आ चुका है, और कई वर्षों से ये रोड आवागमन है। तो अभी का आना ये है कि इस रोड को समस्या यह रहा है कि जो इस पर आपत्ति जता रहे हैं, उनका इस पर आपत्ति न जताएं, इन लोगों का कहना है। तो आप लोग बिहार सरकार से और क्या मांग करना चाहेंगे? लोग बिहार सरकार से हम लोग यही कि हम लोग को रास्ता चाहिए, ये लोग हम लोग को दे दिया कि तार है, ये लोग मरे जिए, तार वाला रास्ता हम लोग को, यानी तार जो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में तार है, और तार के ऊपर ही ये, तार के नीचे ही रोड निकला हुआ है, तो किस तरह का ये है, इसके बावजूद भी ये रास्ता नहीं दे रहा है, तार के नीचे रोड निकला हुआ है, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। तो बताइए लोग, ये बहुत लोग नहीं पता है इस रोड। देखिए सर, हम यही कहना चाहेंगे कि ये महिला पब्लिक है, ठीक है, महिला पब्लिक है, इस पे अगर कोई आएगा तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यही कहेंगे कि जैसे है वैसे रहे, है ना, हाँ जैसे है वैसे रहे, हम लोग चले, आइए कोई ऑब्जेक्शन ना लगाए, हम यही कहेंगे। तार है, मरे जिए, लेकिन हम लोग वो भी तैयार, ऑलरेडी से घर तो बन नहीं सकता है, नहीं इस पे नहीं बन सकता है, दे चुके हैं जी सर, पता नहीं क्या पता है कि जता रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि इधर से उधर से रास्ता इनसे तोड़वा करके, तो हम, हमारा बाप का पावर है तोड़वाने का, बताइए आप दोनों आदमी, हाजी जी और भगवान सिंह, दोनों मर्जी से दोनों मर्जी से दिए, और ये रोड जो बना है आप।